रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। पिता पे पुत्र, नस्ल पे घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये बड़ी पुरानी कहावत है और ये कहावत अब बिहार में पूरी तरह से चर्चा का विषय बनती जा रही है। ये सिर्फ भारत लाइव ही नहीं कह रहा है, इसके अलावे आपको एक चीज बता दें कि जिस तरह से पूरी दुनिया कोरोना के भय से भयाक्रांत है और जिस तरह से हर कोई अपने अपने हिस्से का योगदान, श्रमदान या फिर जिस तरह लोगों को जागरूक कर रहा है और अपने हिस्से का समर्पण दिखा रहा है, वो चर्चा का विषय बनता जा रहा है। ऐसा ही चर्चा का विषय बना जब तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ करके सबसे पहले ये घोषणा किया कि ये वैश्विक महामारी है और इस महामारी से निपटने के लिए सरकार को जो भी कदम उठाने पड़े उस कदम के साथ वो हैं। उन्होंने सबसे पहले ये घोषणा किया कि वो अपने वेतन जो उन्हें मिलता है उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में देते हैं और इसके साथ ही अपने सरकारी आवास को भी वो पूरी तरह से वार्ड बनाने के लिए, आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए या सरकार जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकती है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने अब उनका अनुसरण किया है या कहा जाए तो तेजस्वी यादव के इस प्रयास को उन्होंने अपने तरफ से सराहा है। लालू प्रसाद ने लिखा है कि इस कठिन वक्त में बिहार वासियों के कष्ट में साथ नहीं रहने का कष्ट है मुझे। आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं और गरीब गुरबों के लिए वो नेता के रूप में आज भी उतने ही ज्यादा प्रासंगिक हैं। आगे उन्होंने लिखा है, पार्टी के सभी विधायकगण, नेता प्रतिपक्ष, पदाधिकारी पूरी सक्रियता, सकारात्मकता और क्रियाशीलता के साथ हर संभव राज्य सरकार की मदद करते रहे। और इसके साथ उन्होंने अपनी तरफ से 2.5 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान करने का निर्देश दिया है जो पार्टी के फंड से दिया जाएगा। अब आपको इसके आगे की कहानी बताते हैं। जैसा कि आपने सुना ही और भारत लाइव लगातार पूरी नज़र बनाए हुए है, इस नज़र के हिसाब से जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव अपने आप को इस पूरे महामारी में सामने ला करके एक योद्धा के तरह खड़ा किए हुए हैं, ये सबके लिए अप्रिसिएबल है। जब हमारी बात इस पूरे मुद्दे पर हुई तो हमने प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह से बात किया, उन्होंने पूरी बात विस्तार से बताई और बताया कि इस कठिन घड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के एक एक विधायक, MLC, कार्यकर्ता या जो भी नेता हैं जिनके पास जो सामर्थ्य है सरकार उसे जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकती है। हम पूरी तरह से बिहार के साथ हैं, देश के साथ हैं और लोगों के साथ हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक स्टेज और आगे बढ़ करके एक शपथ पत्र लिखा जो कि अभी अभी हमारे पास आया है। इससे पहले हमने आप जगतानंद सिंह की बात बताई, उन्होंने भी बहुत सारी जानकारियां हमें दी और उस जानकारियों में उन्होंने कई नेताओं के नाम गिनाए जो लगातार अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने जिलाध्यक्षों की बात कही, अपने पदाधिकारियों की बात कही, MLA, MLC जो भी हैं उन सब की बात कही और कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसी बीच एक पत्र तो हमने आपको पहले दिखाया था, एक दूसरा पत्र तेजस्वी यादव लिखते हैं और उन्होंने लिखा है, उस पत्र का नाम दिया है जन प्रार्थना पत्र। इस पत्र में वो लिखते हैं कि कोरोना वायरस से हर बिहारी बिहार रक्षक बन साहस से लड़ेगा। सभी बिहारवासियों से अपील है कि इंसानियत पर आए इस खतरे का जागरूकता, साहस और सतर्कता के साथ सामना करें, बिहार रक्षक बनकर सरकार का सहयोग करें, नियमों का पालन करें और बचाव में निम्नलिखित उपायों को अपनाएं। इसके साथ ही उन्होंने उस पत्र के माध्यम से कुछ उपाय भी सुझाए हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से साहस से लड़ेगा हर बिहारी, बनेगा बिहार रक्षक। सभी बिहार वासियों से मेरी अपील है कि इंसानियत पर आए इस खतरे का जागरूकता, साहस और सतर्कता के साथ सामना करें, सरकार का सहयोग करें, नियमों का पालन करें और बचाव के उपायों को अपनाएं। उन्होंने
आगे लिखा है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में हम सभी सिपाही हैं, फौजी हैं, डॉक्टर हैं, हम बिहार रक्षक हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस महामारी का बचाव आपको खुद से करना है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि सरकारें पहले ही हाथ खड़ी कर चुकी है। हालांकि तैयारियां जबरदस्त ढंग से हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से इस महामारी ने पैर फैलाया है उसमें हाथ खड़ा करने का मतलब होता है कि जब तक आम जनता सरकार का सहयोग नहीं करेगी तब तक इस बीमारी से निजात नहीं पाया जा सकता है। आपको पता है कि जब मरीज डॉक्टर को सहयोग नहीं करेगा तो कोई भी डॉक्टर किसी भी दवा से मरीज का इलाज नहीं कर सकता है। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति हमारे सामने आ गई है। इस महामारी से बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने आप को अधिक से अधिक अपने घरों में कैद करके रखें, कम से कम लोगों के संपर्क में आएं, और यही बातें सभी कह रहे हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि सरकार की तैयारियां कहां तक हैं और सरकार के जो अंग हैं वो क्या कह रहे हैं। अभी हम तत्काल आपको बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पूरी तरह से आरजेडी को अपने हिस्से से तैयार कर चुके हैं। हमने आपको दिखाया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी आगे बढ़ करके कहा कि हमने तो अपने हिस्से का काम करना शुरू कर दिया है, हम कर भी रहे हैं, अब सरकार को अपने हिस्से का काम करना है, जनता भी उनके साथ है। इसके आगे आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने लिखा है कि हमारे द्वारा बरती हर सावधानी, अपनाया हुआ बचाव का हर उपाय, नियमों का पालन हमारे द्वारा बिहार की और राष्ट्र की सच्ची सेवा होगी। आगे है कि जहां तक संभव हो घर से न निकले, हम अपने घर में रुकेंगे तो बीमारी रुक जाएगी। आप समझ लीजिए कि जब आप अपने घर का ताला नहीं खोलेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे, तो कोई भी बाहरी आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है। आप भीतर से अपने घर को लॉक कर लेंगे तो इस महामारी को बाहर से ही आप विदा कर देंगे। तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है उसका सीधा तात्पर्य यही है। यही सेम चीज सरकार भी कर रही है। आज पुनः प्रधानमंत्री ने 21 दिनों तक के लिए लॉकडाउन का आदेश निर्गत कर दिया और आग्रह भी किया कि आप अपने घरों में रहें। आगे है कि जहां तक संभव हो घर से न निकलें, ये तो आपने सीधे तौर पर समझ लिया कि इस बीमारी को हराने का और इस पर विजय प्राप्त करने का सबसे जो बेहतर तरीका है वो है कि आप अपने आप को एकदम अलग थलग कर लें। हर व्यक्ति दूसरे से कम 5 फीट की दूरी बरते, अपने हाथों को बार बार साबुन या हैंड वॉश से धोते रहें, मास्क न हो तो गमछा या रुमाल मुंह पर रखकर घर से बाहर निकलें, यदि बहुत जरूरी हो तो घर से निकलें, वरना कोशिश करें कि घर से आपको न निकलना पड़े। महिलाएं साफ दुपट्टा, ओढ़नी या रुमाल को मुंह पर रखें, आंख नाक और मुंह को छूने से बचें, बड़े बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, उन्हें बचाव के उपाय समझाएं। घर में रहना सबसे आसान उपाय है, दुआ भी यही है और दवा भी यही है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और जिम्मेदारी हम सबकी है, बड़ी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आपको खुद अपने लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। कितना अधिक आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ी दवा है। हर एक इंसान इसे तपस्या समझे, भक्ति समझे, कर्तव्य समझे। जिस प्रकार हम सब व्रत रखते हैं उसी प्रकार कोरोना के खिलाफ इस जंग को व्रत समझें। आगे प्रण लें कि हम नियम का पालन करेंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे। आपको बता दें कि बिहार क्या है, तो सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि बिहार वो देश है जो दुनिया को संदेश देता है। बिहार में हर जगह रुआ जहां भी चल जाए तहां रुआ एक अलग तरह के वाइब, अलग तरह के एक तरंग नजर आई, और वो तरंग बा एक दूसरा से प्रेम के। बिहार में प्रेम कूट कूट के लोग में भरल बा। रुआ गांव देहात में चल जाई तो देखब कि कितना प्रेम से रुआ के लोग अपना द्वार पर खटिया पर बैठाई, अगर कुछ ना उनका लगे साधन हुई तो गुड़ आ एक लोटा पानी लेके जरूर रुआ लोग फिर पहुंची।
ई बिहार के परंपरा बा, हमनी के सनातन के परंपरा बा कि हमनी के हाथ जोड़ के प्रणाम करे के गोर लागे के ई परंपरा के पालक हैं जा। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे सभ्यता संस्कृति बढ़ल वैसे वैसे हमनी के ई सब भुला करके और एक नया परंपरा जो विदेशी परंपरा रहे ओकरा के अपनाओ चल गए नहीं जा। खैर ई तो बात बढ़ले बा, लेकिन एकरा साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात बा वह बात में कुछ ऐसा अंश बा जौन अंश रुआ लोग के सामने रखल बहुत जरूरी हम समझतानी। जरूरी ऐसे समझतानी कि जैसन रुआ सुनले हो खब कि प्रधानमंत्री जी आज पुनः एक बार यह बात के आग्रह देशवासी से कहले है कि 21 दिन तक हमनी के और कैद रहे के पड़ी। ये बीमारी के जौन सबसे बड़ा हेतु बा ओकरा में एक चीज रुआ समझे के पड़ी कि एकर दवाई अब तक ले इजाद नहीं भइल, प्रयास जारी बा और ये प्रयास में कितना सफलता मिली ये अभी भी संशय के स्थिति में पड़ल बा। ये सबके बीच में जौन सबसे महत्वपूर्ण बात बा वो महत्वपूर्ण बात बा कि रुआ अपना के कितना ज़्यादा सुरक्षित रखतनी और कितना ज़्यादा एकांत में अपना के रुआ रखतनी। ये सब बात के बीच जौन सबसे महत्वपूर्ण बात बा वो महत्वपूर्ण बात ई बा कि यह महत्वपूर्ण बात में भारतीय जनता पार्टी के जौन अध्यक्ष बनन संजय जायसवाल वो आगे बढ़कर के एगो वीडियो साझा कर रहे हैं। वो वीडियो में चूँकि वो डॉक्टर बनन तो बेहतर ढंग से अपन बात रखे में सफल रहले हैं और उनकर मजबूरी साफ झलकत रहा है। एक बात रुआ जरूर सुन ले हो कब कि नीतीश कुमार जी के या फिर सरकार के जौन इच्छा बा जौन उनकर आकांक्षा बा वो आकांक्षा में वो अपना के चाहे जितना भी सक्षम मानस लेकिन बीमारी के भयावहता इतना बड़ा बा कि सरकार सक्षम नहीं है। लगातार यह बात खातिर संजय जायसवाल जितना चिंतित नजर आ रहे हैं वो बात निश्चित रूप से रुवालों के जाने के चाहिए। भारत लाइव उकरो के देखौले बा वो सीधे तौर पर कहले है कि 130-133 करोड़ जनता बाड़ी, अगर 40-70% के बीच में लोग आक्रांत हो जाता तो समझ ले कि का हुई, 50 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर आक्रांत हो जाता तो ये देश में कितना भयावह स्थिति सामने आ जाई। एकरा में भी रुआ इस समझ के रखी कि जौन हमी लगे व्यवस्था बा उ व्यवस्था इस महामारी से लड़े खातिर नाकाफी बा, चाह के भी इतना जल्दी हमी के व्यवस्था ना कर सकी ले जा तो एकर उपाय का बा। एकर उपाय सीधे बा कि कहीं से रुआ आयातित भी ना कर सकी ले, चाहे रुआ लगे जितना भी पैसा होखे पैसा से ये बीमारी के भगावल ना जा सकेला। ये बीमारी के भगावे के सिर्फ एक ही रास्ता बा और वो रास्ता बा कि रुआ अपना के कितना ज़्यादा कैद करके रखतनी, बंद करके रखतनी, सामाजिक सरोकार से दूर रखतनी। रुआ इस समझ के चली कि रुआ जैसन कि तेजस्वी यादव कहले हैं कि तपस्या में बानी, खास करके अगर देखल जाओ तो जौन सरकार कहता और एक चीज़ रुआ बहुत बढ़िया से समझ ली हैं कि चुनावी साल बा, ये चुनावी साल में राजनीति छोड़ के अगर बार बार विपक्ष यह बात के रुआ से निहोरा कर रहा बा, निवेदन कर रहा बा, हाथ जोड़ के प्रणाम करके ये बात कह रहा बा, DGP खुद प्रणाम करता रहन और कहता रहन कि हम प्रणाम करता नहीं बिहार के जनता के कि उ लोग यह बात के बहुत गंभीरता से सोचो और गंभीरता से सोचे के कारण ये बा कि लोग अपना के अपना घर में कैद कर ले। हालांकि अभी भी जनता में बहुत सारा लोग बा जो ने बात के नहीं समझ पाओत, लेकिन वो लोग पर शक्ति भी बरते के प्रयास जारी बा। हम जौन कहत रही हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये बा कि चुनावी साल बा, विधानसभा के चुनाव इस साल में होके के रहा और ये चुनावी साल में जहाँ सत्ता और विपक्ष में जम करके युद्ध चलत रहा, एक दूसरा पर हमला के दौर चलत रहा, वो या आगे बढ़ करके अगर विपक्ष सरकार के हर शर्त माने के तैयार बा, सरकार के हर तरह से सपोर्ट करे के तैयार बा, यहाँ तक ले कि RJD में जब आज हमरा से बातचीत भई रहा तो बातचीत के दौरान जगदानंद सिंह जौन प्रदेश अध्यक्ष बान वो स्पष्ट तौर पे खुल के कहले हा कि सरकार से हमनी के यह बात के पूरी तरह से ऐलान कर दिले बन जा, घोषणा कर दिले बन जा कि हर विधायक हर नेता जेकरा लगे जौन साधन बा वो सब देवे के तैयार बाड़े, कोनो तरीका से हमनी के यह बीमारी से लड़ी जा और यह बीमारी के लड़े के सबसे बड़का जौन हमनी लगे हथियार बा वो हथियार बा एक दूसरा के एक दूसरा से अलग रखना, जे लोग बाहर से आवता उनका पर विशेष निगरानी रखना और उनका के क्योर करे के
उपाय खोजना। अब ये सब बात के बीच रुआ एक चीज जो संजय जायसवाल कहले रहले हैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, वो एक के बात कहले रहले हैं कि हमनी लगे अगर मान के चली कि अगर 50% लोग भी संक्रमित हो जाता या ओकरा में भी 50% में से भी 10% लोग संक्रमित हो जाता तो ओकरों के हमनी के क्योर करे के अभी क्षमता से बाहर बनी जा। हमने लगे मात्र 40,000 वेंटिलेटर बा, दुआ समझ ली कि जब स्थिति पैनिक हुई तो बिना वेंटिलेटर के आदमी ना रह सकले। अब 40,000 वेंटिलेटर में दुआ समझ ली कि कैसे देश के लोग के 130 करोड़ जनता के बचावल जा सकेला। एकर उपाय सीधे सीधे बा कि रुआ जितना अपना के सुरक्षित रखी और जितना अपना के अपना घर में बंद रखी। ये बात के लेकर के रुआ गांव होके शहर होके जहां भी रुआ रहतनी अगर रुआ में क्षमता बा तो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या जौन भी माध्यम रुआ लगे बा वह माध्यम से बिना एक दूसरा से मिलने इस संदेश लगातार जारी करी कि कैसे रुआ अपना के अलग रख सकीले। फोन पे बात कर ली, व्हाट्सएप पे बात कर ली या फिर वीडियो चैटिंग के माध्यम से अपना करीबी लोग के, अपना प्रिय लोग के बात करके और वो लोग से संतुष्ट हो ली। लेकिन मिले जुले वाला कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दी। स्थिति बहुत भयावह बा और ये भयावह स्थिति से निपटे के जौन साधन बा वो रउए लगे बा। ना ओकरा में कोनो सरकार काम कर सकेला और ना कोनो दवाई काम कर सकेला। दवाई एक गो बा कि रउआ इस दवाई के घर में रही और घर में रहला से बढ़ के कोनो दवाई नहीं खे। कोरोना बड़का आफत आ विपत लेकर रुआ भी आयल बा और ए आफत विपत के रुआ जानते बानी, रुआ खूब निपटे के हाल जानतानी कि जब भी आफत विपत आवेला तो घर में एक जगह पूरे परिवार सहित रुआ एकांत में हो जाइले। कोनो ऐसा दुख तकलीफ आवेला तो रुआ एकजुट रहिले। वैसे ही घर के ताला बाहर से बंद कर दी, भीतर से बंद कर दी, जैसे भी बंद करे होके बंद कर दी और इटली जैसन भयावह स्थिति भारत के न थोके एकरा खातिर रउआ तैयार होके पड़ी। इटली जैसन छोटा देश जौन कि हर तरह से सक्षम रहा उ सिर्फ ए कारण से कि उ अपना के सोशली अलग ना कर पावल, ओजा के विशेष जौन धंधा रहे उ धंधा रहे एक दूसरा से मिलना जुलना वाला और एकरा के लेकर के इटली तबाह और बर्बाद हो गई। भारत के एकरा से बचाई कारण कि भारत में संसाधन भी उतना नहीं है और एकर बचाव के उपाय सिर्फ एक गो बा कि रउआ अपना के एकदम कैद करके रखी। बहुत लंबा समय ना लगी अगर रउआ लोग पूरी तरह से बात के समझ गई बानी तो 21 दिन जैसा कि प्रधानमंत्री जी पुनः घोषणा कैले है आज 21 दिन तक अपना के बंद रखी और सोशली मेल जोल के जो बात बा ओकरा के दूर रखी। ऐसा स्थिति मत होके कि फिर रोए खातिर भी रुआ लगे आंसू ना मिले। स्थिति चाहे जितना भी कोई कह ले लेकिन स्थिति भयावह बा। एकर भयावहता यही से रुआ अंदाजा लगा सकिले कि सरकार के आगे बढ़ के घोषणा करे के पड़ल कि रुआ अपना घर में अपना के कैद कर ली। एकर मतलब रुआ समझता नहीं कि आखिर एकर परिणाम का हुई। एकर परिणाम के निश्चित रूप से रुआ समझ लें कि का स्थिति बा। पूरे कवायद में रुआ से एक ही को प्रार्थना बा, बार बार भारत लाइव वालों से निहोरा कर रहल बा, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहल बा कि जब धूर विरोधी तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी एक हो सकेले तो हम और रउआ एक साधारण सा चीज़ कि अपना घर में कैद काहे ना रह सकेले जा। निश्चित रूप से अगर एकरा के हरावे के बा तो डराए के ना हुई, डट के मुकाबला करे के हुई और डट के मुकाबला करे के सबसे बढ़िया जौन साधन बा, तरीका बा, वही बा कि अपना घर के पैक कर ली और घर में अपना परिवार के साथ बिल्कुल आराम से चैन से रुआ रही। लगातार मैसेज के माध्यम से हमने के रुआ लोग के जागरूक करे के प्रयास करते हैं जा। अगर रुआ लगे कोनो विचार बा तो निश्चित रूप से व्हाट्सएप या फिर कमेंट के माध्यम से लिखी और भी बताएं कि हमने के का करी जा, कैसे रुआ के और ज़्यादा जागरूक करी जा या और जानकारी कैसे दी जा। हमने के हर टीम हम प्रणाम करते नहीं वो डॉक्टर लोग के, ऐसे कि वो डॉक्टर लोग अपन जान जोखिम में डाल करके कम संसाधन के बावजूद भी इस तरीका काम कर रहा बा। हालांकि विपक्ष के एकरा को भी
जब बातचीत होत रहे तो जगतानंद सिंह ये भी बात कहले कि सबसे ज़्यादा जरूरी बा कि अभी हमनी के डॉक्टर के निश्चिंत करी जा और डॉक्टर के जो सुरक्षा के विशेष कवच बा वो कवच के सरकार मुहैया जरूर करा देवे, ऐसे कि डॉक्टर के अगर बीमारी पकड़ लेलस तो फिर भयावह स्थिति और खतरनाक हो जाई और एक भयावहता के शायद अंदाजा हमनी के ना लगा सकी ले जा। इस सब बात पर हमनी के अतने करे के बा कि सपोर्ट करी जा वो डॉक्टर के, वो प्रशासन के लोग के जो लगातार सड़क पर खड़ा होकर के रुआ के जागृत करता जगावता, वो प्रेस के लोग के जौन लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर खबर के माध्यम से टीवी के माध्यम से रुआ लोग तक एक खबर के और पूरा जागरूकता फैलावे के प्रयास करता, इस सब लोग धन्यवाद के पात्र बाणन। सबके हम प्रणाम करतनी और हम प्रणाम करतनी भारत लाइव के न्यूज़ बिहार के पूरा टीम के, एक एक व्यक्ति के जौन बिहार के अलग अलग कोना में खड़ा बाड़न और ओजा से एक एक चीज के उ प्रचार करतरन और बतावतरन। हम प्रणाम करतनी पूरे व्यवस्था के जौन वो दुकानदार के जौन किराना के और अन्य सामग्री पहुँचा रहा मन। हालांकि एक बात और बा, एक बात और दुखद बा कि अगर रउआ कोनो व्यवसाय से जुड़ल बानी, मानवता से रुआ जुड़ल बानी तो रउओ संगे कभी ऐसा घटना घट सकेला। रुआ सब्जी विक्रेता बानी या फिर किराना के विक्रेता बानी या फिर दवाई के दुकान रुआ चला रहा बानी तो रुआ एक बात समझ ली कि रुआ जौन वाजिब दाम बा ओकरे पर बेची, कारण कि वक्त के नजायज फायदा मत उठाई। एक तो लड़ाई बा और दूसरे यह लड़ाई से निकले खातिर हमने लगे जौन साधन बा वो ई बा कि हमनी के एक दूसरा के सहायता करी जा, मदद करी जा, सपोर्ट करी जा कि हर कोई अपना अपना हिस्सा के काम करे और अपना घर में कैद रहे। संजय जायसवाल के चिंता निश्चित रूप से एक डॉक्टर के नाते और एक राजनीतिज्ञ के नाते भी, सत्ता में रहे वाला दल के अध्यक्ष के नाते भी चिंताजनक जरूर बा। उनको बात के बहुत अप्रिसिएट करे और समझे वाला बात बा। वही एक बात और बा कि अगर जगतानंद सिंह कहतरे, लालू प्रसाद यादव कहतरे, तेजस्वी यादव कहतरे, मदन मोहन झा कहतरे, उपेंद्र कुशवाहा कहतरे या फिर जीतन राम मांझी कहतरे तो इनको बात मानल जरूरी बा। सारा सत्ता और विपक्ष के दूरी खाई मिट गई बा तो हमनियों के सब खाई के मिटा करके अपना घर में कैद होकर के और सरकार के पूरी तरह से मदद करी जा, इहे सबसे बढ़िया उपाय बा और इहे वो कारण बा जौना से हमनी के अपना इच्छा शक्ति के बदौलत एक कोरोना नाम के बीमारी के वायरस के भगा सके जब देश से और बिहार से भी। फिर रुआ लोग से बात हुई गोर लागत नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।